नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जैक्सन पे। दोस्तों आज बहुत ही मज़ेदार आपको जानकारी देने वाला हूँ, और ये मज़ेदार इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे बिहार से रिलेट करते हैं, और जो कि आपको 7 मई के द हिंदू जो आपको इंग्लिश अखबार होते हैं जो कि आपको कई देशों में पढ़े जाते हैं, खास करके इंडिया के लिए आप समझ सकते हैं कि नंबर वन आपको अखबार है इंग्लिश मीडियम में। जैसे कि आप लोग अपने लोग जो इधर अपने बिहार में आप हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर के जो पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आपको पूरे इंडिया भर में आपको ये मेरे हिसाब से नंबर वन अखबार है द हिंदू। और इसमें एक खबर छपी है जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी है, चाहे आप कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये मतलब नहीं कि आप ये खबर को समझें या ना समझें। आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार खबर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए हम आपको पहले दिखाते हैं, आपको थोड़ा असर लग रहा होगा कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। मैं आपको तो हिंदू की जो खबर के बारे में बताने वाला हूँ, जो खबर आपको बिहार से रिलेटेड है और बहुत ही मज़ेदार खबर है, मैं आपको सीधे इसके PDF से मैं चल रहा हूँ। इस PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूँगा, इससे ये आपको 7 मई 2022 का है। मैं यहाँ पर डेट आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखल है आपको सैटरडे मई 7 2022, और इसके नीचे आपको एक पूरा पेज पे आपको देख सकते हैं पेज नंबर 9 जो है पूरा समर्पित है बिहार को। और पेज नंबर 9 जो समर्पित है बिहार को, वो क्यों समर्पित है, तो सबसे ऊपर में आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ टू स्टील एन आयरन ब्रिज। और ये खबर हमारे बिहार से रिलेटेड है। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ये हमारे बिहार से रिलेटेड है। पहले मैं इसका हिंदी दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं इंग्लिश में जो भी है मैं पहले आपको बता दूँगा। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आपको हिंदी अखबार जो है आपको दैनिक जागरण, इसका ये है दैनिक जागरण का। देखिए क्या दिया है हेडलाइन, बाप रे बिहार में 60 फीट लंबा पुल ही चुरा ले गए, रोहतास में JCB और ट्रक लेकर आए थे चोर। आप लोग सुनते होंगे कि मोबाइल चोरी होता है, बाइक चोरी होता है, कार चोरी होता है, गहने जेवर जेवरात चोरी होता है, लेकिन ये बिहार है, बिहार में पुल भी चोरी होता है। और ये मैं नहीं, एक प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण भी कह रहे हैं, और जो मैं आपको पहले हिंदू दिखाया था द हिंदू, उसमें भी आपको पूरा पेज पे वही लिखल है। एक बहुत ही मज़ेदार स्टेटमेंट उसमें दिया गया है जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा जब मैं उस PDF पे आऊँगा। देख सकते हैं इस पर भी आपको ये आपको फिगर दिया गया है, ये उसी जगह का फिगर है, और देख सकते हैं ये आपको कहाँ का है, ये आपको रोहतास ज़िले की है, आपको नासिरगंज प्रखंड क्षेत्र में अमीवार स्थित आरा मुख्यालय नहर पर बनाया गया लोहे का पुल गायब हो गया है। 7 फीट लंबा पुल था, 10 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचे पुल सोमवार को JCB की तरफ से JCB से उखाड़ कर किसी वाहन से ले जाने के बाद सामने आ रही है। JCB से उखाड़ के ले गया है, ये आप चोरी समझ सकते, डकैती समझ सकते हैं, ये मैं नहीं क्लियर कर रहा हूँ अब लोग, मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये ऐसा ऐसा होता है बिहार में, और इसलिए आप लोग को जागरूक रहना ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा दूसरी न्यूज़पेपर का भी कटिंग आपको दिखा देता हूँ। और ये दोस्तों आज तक का है, देख सकते हैं यहाँ पे आज तक का लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आज तक का है ये, आज तक के भी साइट पे ये अपडेट है aajtak.in पे। बिहार में पुल चोरी कांड में बड़ा खुलासा, सिंचाई विभाग का SDO निकला मास्टरमाइंड, RJD नेता समेत 8 अरेस्ट, जो कि 8 अरेस्ट हुआ है। लेकिन आपको सोचने वाली बात यह है कि क्या बिहार में ऐसा ही होता है कि पुल चोरी हो गया और इसका मास्टरमाइंड SDO है। खैर जो भी हो उससे मुझे रिलेटेड नहीं है, देख सकते हैं ये फिगर है, ये सभी अपराधी हैं। अब हम थोड़ा सा बताते दोस्तों इस
के बारे में कि जहाँ तक मैं इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त किया हूँ, चलिए हम पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर पे ही आते हैं और वहीं पे आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं। दोस्तों ये आपको तो हिंदू का मैं पहले ही बता दिया था और इस पर एक बहुत ही मज़ेदार स्टेटमेंट लिखा गया है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ जिससे आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा और मैं इसे पढ़ के सुनाता, बहुत मज़ेदार चीज़ है। चुरा लिया है तुमने जो पुल को, नहर नहीं चुराना सनम। आप समझ सकते हैं द हिंदू इस लाइन के माध्यम से बिहार को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। चुरा लिया है तुमने जो पुल को, नहर नहीं चुराना सनम। ये देख सकते हैं, ये आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि ये पुल 1970-72 ईस्वी के आसपास आपको फ्रॉम द 1970 हैज़ बीन वेडली शेयर। ये आपको 1970 के आसपास में 70 में बनना स्टार्ट हुआ था और 72 में ये पुल कंप्लीट हो गया था बन के। और ये आपको 2-3 आपको अप्रैल 2, 3 and 4 द ब्रिज हैप्पली वॉचेस द ब्रिज बीइंग डिसमिस्ड। देख सकते हैं आपको अप्रैल 2 से लेकर 4 तारीख अप्रैल तक में ये पुल आपको गैप मिला, जो कि आपको कुछ दिन के बाद पता चला, 1-2 दिन के बाद पता चला कि ये प्राइवेट आदमी थे, मतलब चोर थे। और इस के बारे में एक और बात बता दूं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको 1972 में आपको ये पुल निर्माण हुआ था। और इसके इस गांव के बारे में, इसके बगल में जो गांव है उस गांव के बारे में एक मज़ेदार बात ये है कि ये गांव यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम करके यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि इस गाँव के लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग से मैं देख सकते हैं। यहाँ पे ओवर 80% ऑफ द विलेजर्स हैव एग्रीकल्चर लैंड ऑन द नॉर्थन साइड ऑफ द ब्रिज वेयर दे गेट अ गुड यील्ड ऑफ वीट एंड राइस क्रॉप एवर ईयर। 80% जो विलेजर्स हैं उसके पास खेती करने का ज़मीन है और बहुत ही अच्छी खेती होती है। तो देख सकते हैं, और एक और मज़ेदार बात इस गांव के बारे में यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इन 2014 द विलेज ऑफ 50,000 पीपल वाज डिक्लेयर एन आदर्श ग्राम आइडियल विलेज, जो कि हमारे प्रधानमंत्री के तरफ से ये इसके बारे में बताया गया था, आदर्श ग्राम आइडियल विलेज के बारे में। और ये जो घोषित किए थे ये आपको बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उपेंद्र कुशवाहा। ये भी आप शर्मा रहे होंगे कि हमने क्या कर दिया। खैर जो भी हो, 2014 में ये गांव आपको आदर्श ग्राम में आपको घोषित हुए थे। देख सकते हैं, ये आपको रोहतास का आपको दिख रहा होगा। और ये देख सकते पूरा हिंदू पे पूरा धरले से आपको उखेड़ के रख दिया है। नासिरगंज थाना का यहाँ पर फोटो दिया है, ये फोटो है, ये नहर है, यहीं का पुल चोरी हुआ है। तो इसके माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी होता है आपके गांव में, आपके आसपास में, उसके बारे में आप पता कीजिए। अगर ऐसे ही शांत बैठिएगा फिर कोई चोर आएगा, चोरी करके ले जाएगा। ये गांव का भी संपत्ति था, गांव का संपत्ति कितना गांव बदनाम हुआ होगा, बिहार कितना बदनाम हुआ है, ये सोचिए। और ये बताऊं, इसी मोटो को लेकर अब मैं आप लोगों के बीच में आया था वीडियो लेकर के, क्योंकि ये आपके लिए जानना ज़रूरी था कि हमारे बिहार की इतनी भी बदनामी होती है कि बहुत ही अलग खबर था कि बिहार में पुल चोरी होता है। आप गूगल पे जाकर सर्च मारोगे आयरन ब्रिज के बारे में, तो आपको, अगर आप पुल चोरी भी लिखोगे आप गूगल पे, तो आपको ये वाला सबसे ऊपर में मिलेगा।
तो उम्मीद करते हैं कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप समझ गए होंगे। मैं इस PDF को टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। इस आप सारे के सारे जो दिए हैं इसे आप पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी आपके हेल्पफुल होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के संग। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।